After discussion with farmer leaders, Delhi police has allowed them to hold peaceful protest at Nirankari ground in Borari. We appeal to them to maintain peace. Thank you. Is there any CRPC or some thing imposed near the area? No, we will take care of that. कोई और नियम या CRPC 144 धारा लगाए गए हो? बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या ना हो। देखिए, ये जो तीनों बिल का बात चल रहा है अभी देश भर में चर्चा में है, ये सब ऑर्डिनेंस के रूप में पहले आया जून 5 में। हमने उसके खिलाफ आवाज उठाए थे। करीब 25,000 गांव से हमारा किसान बंधुओं ने प्रस्ताव भेजे थे प्रधानमंत्री जी के नाम पर, कृषि मंत्री जी के नाम पर। ये जो तीनों व्यापारियों के बिल है, ये ट्रेडर्स फैसिलिटेशन बिल है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बिल है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है। तीनों बिल व्यापारियों के लिए बनाया गया, शुद्ध रूप से व्यापारियों के लिए बनाया गया। सरकार का बोलना है कि उसी व्यापारियों का अगर अच्छा व्यापार चलेगा तो किसान को कुछ फायदा होगा। हम उसमें जो हमारा 90 दशक से हम जो आंदोलन कर रहे थे, वन इंडिया वन मार्केट के लिए, किसान के लिए खोला जाए, इसलिए सरकार अगर ये पहल किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मंडी के अंदर दुनिया में कहीं भी जो बेचता है वो टैक्स नहीं देता है, ये बड़ा विचित्र बात है। भारत में 50 साल जब से मंडी का कानून चला है, तब किसान मंडी में ना आड़ती टैक्स है, मंडी टैक्स है, क्या क्या टैक्स देता रहता है, और मंडी में भी और मंडी के बाहर भी आज तक MSP के ऊपर खरीदारी नहीं हो रहा है, मंडी के अंदर भी नहीं हो रहा है, वहाँ कार्टेल बन गया है। तो किसान का ये जो परेशानियाँ है, सरकार अगर उसके रास्ता निकालने के लिए तीनों बिल लाए है, हम उसको स्वागत करते हैं, मगर उसमें दिक्कतें हैं।